हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम हुआ था उसके रिलेटेड है। जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इन 1995 जोनाथन एडवर्ड सेट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द ट्रिपल जंप ऑफ 18.29 मीटर्स इन गोथनबर्ग स्वीडन। व्हाट नेशनलिटी इज ही? कौन से देश से वो संबंध रखते थे? तो ब्रिटिश देश से संबंध रखते थे। नेक्स्ट, नेशनलिटी उनकी ब्रिटिश थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द दीज वाज नॉट वन ऑफ द फोर एथलीट्स दैट मेड अप द जमैकन टीम दैट वन गोल्ड मेडल इन द 400 मीटर रिले रेस एट द लंदन 2012 ओलंपिक। इनमें से चार एथलीट में से कौन सा वो एथलीट नहीं था जिन्होंने वर्ल्ड गोल्ड मेडल जीता था रिले रेस में? तो कमर बैली कोले ये नहीं थे। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेटबॉल कोर्ट डिवाइडेड इनटू? तो यहाँ पर जो है ये सही रहेगा बिल्कुल, थर्ड। नेक्स्ट, विच स्ट्रोक वुड वन बी परफॉर्मिंग व्हेन दे पुट टू आर्म्स ओवर देयर हेड एडवांस? एक बार सर के पीछे जिसमें हाथ रखते हैं तो कौन सा स्ट्रोक है वो कहलाएगा? तो बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है वो बिल्कुल सही रहेगा इसमें। नेक्स्ट, बटरफ्लाई स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हेन परफॉर्मिंग द ब्रेस्ट स्ट्रोक इन कंपटीशन हाउ मेनी हैंड्स नीड्स टू टच द वॉल व्हेन परफॉर्मिंग ए टर्न और फिनिश लेंथ? जब फिनिश करते हैं एक बार स्विमिंग पूल में एक लेंथ को, तो उसमें कितने आपको हाथ टच करने पड़ते हैं? तो दोनों हाथ टच करने पड़ते हैं उनको वॉल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इन एन इंडिविजुअल स्विमिंग मेडली व्हाट इज द ऑर्डर दैट द स्ट्रोक्स आर परफॉर्म्ड? तो ये सही रहेगा बिल्कुल, बटरफ्लाई ब्रेस्ट स्ट्रोक बैक स्ट्रोक फ्रंट क्रॉल जो ये दिया गया है, बटरफ्लाई बैक स्ट्रोक ब्रेस्ट स्ट्रोक फ्रंट क्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन परफॉर्म ए टम्बल टर्न व्हेन स्विमिंग इन ब्रेस्ट स्ट्रोक? तो नहीं, परफॉर्म नहीं करते हैं, टम्बल टर्न परफॉर्म नहीं होती है इसमें ब्रेस्ट स्ट्रोक में। नेक्स्ट, व्हाट चॉइस इज गिवन द विनर ऑफ द टॉस बैडमिंटन? या तो उनको सर्व करने दी जाती है या रिसीव करने की, या फिर जो साइड होती हैं साइड दी जाती हैं कोर्ट की, तो ये बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट, द सर्वर सर्व बिफोर द रिसीवर इज रेडी एंड द रिसीवर डज नॉट अटेम्प्ट टू रिटर्न द सर्व, व्हाट इज द डिसीजन? तो लेट होगा तब। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिसीजन व्हेन द सर्वर लोजेस द बॉल अप एंड कैचेस इट इंस्टेड ऑफ स्ट्राइकिंग इट? तो ये सही रहेगा इसका, द सर्वर में ट्राई अगेन विदाउट पेनल्टी। नेक्स्ट, व्हेन द एल्बो जॉइंट इज इन द फ्लेक्स पोजीशन ड्यूरिंग ए पुल अप द फोर आर्म इज इन ए, जो फोर आर्म जो होगी हमारी वो कैसी होगी? तो वो सुपाइनेटेड पोजीशन में होगी, सुपाइनेटेड और प्रोनेशन आपने सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द कंट्रैक्शन ऑफ मसल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर ए मूवमेंट एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंटागोनिस्ट ग्रुप ऑफ मसल्स कंट्रैक्ट विद द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एट द सेम टाइम रिजल्ट्स? तो डैश रिजल्ट, तो कोई नो मूवमेंट रहेगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशन इज कनेक्टेड विद हेल्थ थ्रू एन एजेंसी नोन एज, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ यूनाइटेड नेशन कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन थ्रू प्ले एंड सोशल रियलाइजेशन थ्रू पार्टिसिपेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन बेस्ट करेक्टराइज्ड द एजुकेशनल प्रोग्राम एडवांस्ड बाई? तो फ्रोबेल बिल्कुल सही रहेगा, फ्रोबेल। नेक्स्ट,
What was the reason for the decision to boycott the 1980 मॉस्को ओलंपिक्स by a number of countries? तो सोवियत वार चल रही थी अफगानिस्तान में, ये रीज़न था बिल्कुल. At body joints, friction is eliminated by the, तो फ्रिक्शन जो है किसके द्वारा ख़त्म की जाती है वहाँ पर, ब्रोसा के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज इज डन इन द रिक्यूम्बेंट पोजिशन, तो ये बिल्कुल सही रहेगा इसका. रिक्वायर एज मच बैलेंस एफर्ट, एज मच बैलेंस ऑफ एफर्ट व्हेन परफॉर्म्ड इन सिटिंग, ये सही रहेगा बिल्कुल, ए वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेस्पिरेशन द क्वांटिटी ऑफ एयर नॉर्मली इंस्पायर्ड इज टर्म डैश वॉल्यूम, तो कम्प्लीमेंटल बिल्कुल सही रहेगा इसमें, कम्प्लीमेंटल वॉल्यूम. नेक्स्ट, द मसल विच एक्ट्स मोस्ट इफेक्टिवली एज ए नी जॉइंट एक्सटेंसर इज द, नी जॉइंट को जो एक्सटेंड करने में जो ज़्यादा मसल इन्वॉल्व होता है, तो वास्टस मीडियलिस होता है वो मसल, उसका नाम मसल का. नेक्स्ट, इन टेनिस इफ द रिसीवर रिटर्न्स ए गुड सर्व ऑन ए वॉली द करेक्ट डिसीजन, तो अगर एक अच्छा रिसीव कर रहा है, रिसीवर के शॉट कर रहा है तो पॉइंट मिलेगा सर्वर को. नेक्स्ट, द स्क्वाड थ्रस्ट एंड डिप एक्सरसाइज इज स्पेशली बेनिफिशियल इन ए लेसन कंसर्न विद प्रैक्टिस ऑफ द, ये स्पाइक इन ए वॉलीबॉल बिल्कुल सही रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंडीशन ऑफ राउंड शोल्डर्स ऑफ ऑल द फॉलिंग आर प्रेजेंट एक्सेप्ट ए, एक्सेप्ट एन इंक्रीज कन्वेक्सिटी ऑफ द थोरैसिक स्पाइन, ये बिल्कुल सही रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइविंग ए हैंड अवे फ्रॉम ए हॉट स्टोव इन स्टेट ए, तो सिंपल रिफ्लेक्स रहेगा ये इसका सही आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस फॉर द यूज ऑफ ड्रिल इन ए फिजिकल एक्टिविटी लेसन ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट दैट, इसमें कीप पीपल बिजी द इंटायर पीरियड, ये बिल्कुल सही रहेगा इसमें, ये फॉल्स है, इस ये चीज़ नहीं होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग जॉइंट एंगल इज, तो जॉइंट एंगल का, जॉइंट एंगल जो गोनियोमीटर से मेज़र की जाती है, जी फ्लेक्सिबिलिटी भी मेरे ख्याल इसी से, गोनियोमीटर से ही मेज़र की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनरल करेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट हैविंग, तो ये सही रहेगा बिल्कुल, द नीज लॉक्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वॉलीबॉल एन ऑफिशियल गेम इज कंप्लीटेड व्हेन द, जब स्कोरर इन्फॉर्म करता है कि स्कोर जो है 25-23 का है तब. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैक रो प्लेयर कम्स इन फ्रंट ऑफ द 3 meter लाइन एंड अटैक्स द बॉल अबव द हाइट ऑफ द नेट, द करेक्ट कॉल वुड बी, तो जो बैक रो के जो प्लेयर रहते हैं वो अलाउड नहीं होते हैं इसके अकॉर्डिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हाउ मैनी टाइम्स कैन यू टच ए वॉलीबॉल बॉल इन ए रो, तो एक ही बार टच कर सकते हैं बॉल को हम, फिर उसके बाद दूसरा प्लेयर टच करेगा तो फिर थर्ड टाइम फिर हम टच कर सकते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर फॉर यूजिंग योर 3 contacts, तो पास सेट और अटैक बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट 4 games ऑफ वॉलीबॉल मैच आर प्लेड टू व्हाट स्कोर, जो पहले 4 sets रहते हैं वो 25 points के होते हैं और जो लास्ट सेट रहता है 5th set वो 15 points का रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर ऑन 1 side ऑफ वॉलीबॉल कोर्ट, तो कम से कम 6 players एक साइड रहते हैं
और टोटल नंबर ऑफ जो टीम में जो प्लेयर रहते हैं वो 12 रहते हैं, 12 संख्या होती है उनकी, लेकिन जो प्लेइंग टीम होती है वो 6 प्लेयर्स की होती है। नेक्स्ट, आर प्लेयर्स अलाउड टू रन विद द बॉल और रन एंड बाउंस द बॉल लाइक दे डू इन बास्केटबॉल? नो, दे कैन नॉट डू इधर। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट ए प्रॉपर पास इन नेट बॉल? तो हेड पास कोई पास नहीं है, प्रॉपर पास नहीं है नेट बॉल में। नेक्स्ट, मेल्स एंड आर फीमेल्स आर अलाउड टू प्ले नेट बॉल? तो दोनों खेल सकते हैं ये। नेक्स्ट, व्हेन यू वॉक विद द बॉल इन नेट बॉल टर्म्स व्हाट इट इज कॉल्ड? तो इसे स्टेपिंग कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पीपल आर ऑन ए नेट बॉल टीम प्लेइंग ऑन द कोर्ट एट वन टाइम? तो 7 प्लेयर खेल सकते हैं नेट बॉल में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन ऑफ द प्ले एंड वॉलीबॉल ऑफिशियल सिग्नल आर करेक्ट एक्सेप्ट? तो ये सेकेंड वाला सही रहेगा, टाइम आउट के लिए रेजिंग द आर्म्स वर्टिकली ओवरहेड, ये नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज? तो कोलेजन एक प्रोटीन होता है जो बोन्स के फ्रेमवर्क अच्छा करने में हेल्प करता है, तो ये सही रहेगा इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल मोटर स्किल ऑफन यूज फॉर एक्टिव लेजर एक्टिविटीज? तो रनिंग बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ लिविंग ओनली वेयर फ्री ऑक्सीजन इज प्रेजेंट आर सेट टू बी? तो एरोबिक बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट, इन वॉलीबॉल ए बॉली कंसिस्ट ऑफ वन कंटेक्ट विद द बॉल बाई ए प्लेयर एनी टाइम ड्यूरिंग द गेम? बिल्कुल सही रहेगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज बॉक्स्ड मीन? तो बॉक्स का मतलब आ गया एक कंपटीटर होना दूसरी साइड ऑन साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, द लास्ट इफेक्टिव टेक्निक फॉर कैचिंग ए बास्केटबॉल इज टू? तो बॉल को कंट्रोल करना विद द पाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स शोज टू गुड एग्जांपल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बैलेंस्ड हेल्दी लाइफस्टाइल? तो न्यूट्रिशनल डाइट एंड रेगुलर वाटर ड्रिंकिंग, ये बिल्कुल सही रहेगा, बाकी तो गलत रहेंगे क्योंकि स्मोकिंग इंक्लूड किया, नॉन अल्कोहल वगैरह स्मोक, नॉन एक्टिव लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही रहेगा इसमें से, न्यूट्रिशन डाइट एंड रेगुलर वाटर ड्रिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इवेंट इज नॉट क्लासिफाइड एज ए फील्ड इवेंट? तो जो हर्डल्स हैं वो ट्रैक इवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, द ऑफेंसिव बास्केटबॉल प्लेयर हु रीगेन्स द बॉल ऑन द ग्राउंड शुड अटेम्प्ट ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट टू? तो सब कर सकता है इनमें से, इन ऑप्शंस में, लेकिन ये नहीं कर सकता, मूव अवे फ्रॉम द बास्केट एंड शूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अप्लाइंग द माउथ टू माउथ टेक्निक ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन टू इन्फेंट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन द फर्स्ट एडर शुड ब्लो एयर इनटू द विक्टिम एट द रेट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 20 टाइम्स पर मिनट? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल ऑफ द स्कूल करिकुलम इन प्रमोटिंग एन एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल? तो ये सही रहेगा बिल्कुल, डी ऑप्शन, सेलेक्टिंग द बेस्ट परफॉर्मर फॉर नेशनल टीम। लास्ट क्वेश्चन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज? तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहा जाता है।
और फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया और थर्ड लॉ को लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो व्यूअर्स ये थे हमारे आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, ताकि और भी डिफरेंट अलग अलग पेपर्स की वीडियो मैं लेके आऊँगा। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।